गत दिवस स्वारघाट उपमंडल में बीडीसी चुनावों में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर सवाल निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची सिस्टम के द्वारा करवाया गया चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ है। ठाकुर रामलाल ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि न्याय मिल सके। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में ठाकुर रामलाल ने गत दिवस स्वारघाट उपमंडल पर बीडीसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में 8 मत पड़े थे, लेकिन 1 मत कैंसिल कर दिया गया, जिससे दोनों प्रत्याशियों के पास बराबर 7-7 मत रह गए। लेकिन उसके बाद पर्ची सिस्टम के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सब कार्रवाई भाजपा नेताओं के फोन पर की जा रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा नेताओं के इशारे पर अधिकारी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रत्याशी ने हालांकि इस प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। जबकि रामलाल ठाकुर ने कहा कि नवंबर महीने में सरकारी नोटिफिकेशन निकली है, जिसके अनुसार अगर दोनों प्रत्याशी बराबरी के मत मिलते हैं तो प्रत्याशी को संबंधित अधिकारी पर विश्वास नहीं है तो संबंधित अधिकारी को आगामी कार्रवाई के लिए जिलाधीश को ये प्रक्रिया भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों ने दबाव में आकर भाजपा के प्रत्याशी को विजय बनाया है, जिसके लिए वे हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, सरकार बड़ी ईमानदारी की बात कर रही है कि ईमानदारी से चुनाव हुए, लेकिन अभी अधर में है। कई अभी जिला परिषदों के और ब्लॉक समितियों के चुनाव होने बाकी हैं। रूल्स के मुताबिक अधिकारी जो है वो काम करेंगे, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा जब अधिकारी ही बेईमान हो जाएं और जो पॉलिटिकल बॉसेस के टेलीफोन के ऊपर जो है वो हारे हुए को जीता हुआ और जीते हुए को हारा हुआ डिक्लेयर कर दें, तो स्वाभाविक है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होंगे। स्वारघाट में क्या हुआ, 15 वार्ड है, 15 वार्ड में जब वोट पड़े चेयरमैन के लिए तो हमारा जो कैंडिडेट थी उसको 8 वोट मिले और 7 वोट उनको मिले जो क्लेम करते थे कि हमारे 13 वोट हमारे हैं। अब वो जाने जिन्होंने बोला, लेकिन उसमें से टेलीफोन के ऊपर जो है वो एक वोट जो है वो कैंसिल किया गया। बराबर बराबर वोट आ गए, 7-7 वोट, 7-7 वोट जब आ गए तो क्या किया कि पर्चियां डाली और पर्ची डाल के जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि ये फलाना विनर है। और जो हमारी कैंडिडेट थी उसने कहा कि मुझे ये मानने नहीं है और ये रूल्स के मुताबिक नहीं है। अब मैं आपसे कानूनी तौर पे कहना चाहूँगा, नवंबर महीने में एक नोटिफिकेशन निकली है सरकार की ओर से, अगर बराबर बराबर वोट आ जाएं तो आपको क्या करना है, आप जो अधिकारी है अगर मान लो उसके बारे में ये कहा गया है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो अधिकारी फैसला नहीं करेगा, द मैटर जो है वो जो डिप्टी कमिश्नर है उनको जाएगा, जो हायर अथॉरिटी है उसको जाएगा, और फिर हायर अथॉरिटी उसका फैसला करेगी ये पर्चियां किसको पड़ेगी। एक इशू पे पर्ची पड़ेगी कि पहले 2.5 साल कौन चेयरमैन रहेगा और दूसरे अगले 2.5 साल में जो है ना कौन चेयरमैन रहेगा। लेकिन स्वारघाट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक को हरा दिया, एक को जिता दिया और जुलूस करवा दिया वहां पे कि जी जनाब हम जीत गए। अब मैं कहना चाहूंगा कि कानूनी जो है ना परवाह जब नहीं करते अधिकारी, पढ़ के जाना नहीं है, न रूल्स पढ़ेंगे न एक्ट को पढ़ेंगे, और उनके हाथ में जो है वो आपने चाबी दे दी हुई है और जो आज जो है वो इस प्रकार की गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं। हमने ये सोचा है कि अब कोई इलेक्शन पटिशन जो है ना इसका वो नहीं है, ये जो बेईमानी है बेईमानी को सामने लेके जो है ना हाई कोर्ट में केस जाए, जुडिशियरी स्क्रूटनी में जाए, ताकि जुडिशियरी स्क्रूटनी में पता लग जाए कि कौन कितने कितने उसमें है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पीछे भी जिला परिषद में भी इन्होंने ऐसा किया, और फिर जब हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी तो वहां का जब डंडा आया तो जनाब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, नहीं तो उसको भी हथियाना चाहते थे। ये कई जगह पे जो है ना तुम रिकाउंटिंग नहीं दे रहे हैं, दो दो रूल तो नहीं है भाई, रूल्स के मुताबिक जो है वो रिकाउंटिंग लेना जो है वो जो उम्मीदवार है उसका हक है। लेकिन अगर मान लो कि एक अधिकारी ये कहे कि आईसी देर इज नो ग्राउंड फॉर रिकाउंटिंग, इसका मतलब वो बेईमान। ये सारी बेईमानी का जो इशू है इसको हम हाई कोर्ट में लेके जाएंगे ताकि जुडिशियल स्क्रूटनी में जो है इसके ऊपर जो है वो हमारी जो जो, जो हाई कोर्ट है उसके